चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने जिला चिकित्सालय में जल भराव और निर्माणाधीन अस्पताल की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने परिसर में किया जा रहे काम की गुणवत्ता और प्रगति के बारे में जब जानकारी लेनी चाहिए तो उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसकी वजह से जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष जाहिर करते हुए उसको चेक करने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और मौजूदा ठेकेदार को काम के गुणवत्ता सुधारते हुए तेजी से काम करने का निर्देश दिया। मैं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के अधीन जो हॉस्पिटल बन रहा है और हॉस्पिटल उसी का निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ पर पंडित कमलापति त्रिपाठी के चिकित्सालय के पहले तो उसको नवंबर में बन के तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम पिछड़ रहा है। इसलिए सब निर्देश हमारे विभाग को जो कंसेशनर उसको दिए गए, उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो समय से पूरा हो जाएगा, ताकि जो यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके बीमारदार आते हैं उनको यहाँ पर जो है इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। परिसर में जल भराव को लेकर एक बहुत पुरानी समस्या चल रही है। उसके तीन पहलू थे, उसमें से एक पहलू जो सिंचाई विभाग संबंधी और ठेकेदार संबंधी था, उन्होंने उसका काम पूरा कर लिया है। अब जो ड्रेनेज का लेवल है वो चूँकि हाईवे के ड्रेन से नीचे है, तो वहाँ पंप लगाने की बात आई है, तो उसका एस्टिमेट बना के देने के लिए बताया गया है। साथ ही साथ जो अंदर नालियाँ है और सीवर है जो चोक हो गया उसको साफ़ करने के लिए CMS